उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में जंग शुरू हो चुकी है। सियासी दल एक दूसरे की घेराबंदी में लग चुके हैं। चुनावी मुहिम में किन किन चेहरों पर निशाना साधना है ये तमाम नेताओं को मालूम है, लेकिन वो कौन से चेहरे होंगे जिनके कहे पर यूपी की जनता सरकार चुनने को लेकर अपना मन बना सकती है। तमाम पार्टियां अब उन चेहरों पर मुहर लगाने की तैयारी में हैं, जिन्हें स्टार प्रचारक माना जाता है। इस मामले में जो सबसे नया चेहरा उभरा है वो है प्रियंका गांधी का। पार्टी के नए यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद के बयान से साफ संकेत मिला है कि प्रियंका गांधी अब सिर्फ अपने भाई और माँ के चुनावी क्षेत्र तक खुद को सीमित नहीं रखेंगे। प्रियंका जी रायबरेली भी कैंपेन करती है, अमेठी भी कैंपेन करती है, वर्कर्स कहते हैं जब इलेक्शन हो तो हमारे यहाँ भी आए। अब उनको जितना समय मिलेगा रायबरेली को छोड़कर और अमेठी को छोड़कर, तो मुझे आशा है वो जरूर बाकी जगह भी कहीं कहीं समय देंगे। यानी कांग्रेस की ओर से प्रचार का जिम्मा इस बार भाई बहन की जोड़ी पर रहेगा। पार्टी को उम्मीद है कि दोनों के चेहरों से पार्टी युवा वोटरों को अपनी ओर ज्यादा से ज्यादा खींचने में कामयाब रहेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपना सीधा मुकाबला राज्य में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी से मानकर चल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में अमित शाह की रणनीति और मोदी लहर ने बीजेपी को राज्य में 90% से ज्यादा सीटों पर कब्जा करवाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय चेहरा ज्यादा मायने रखता है। इसलिए बताया जा रहा है कि राज्य में बीजेपी के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह होंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद यूपी को लेकर राजनाथ की समझ से प्रभावित रहे। हालांकि यूपी चुनाव की अहमियत को देखते हुए ये भी साफ है कि मोदी और शाह भी प्रचार में छाए रहेंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश सरकार के कामकाज को उभारने में लगी है। मुख्यमंत्री खुद अपने मौजूदा कार्यकाल के आखिरी साल में कई नई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन में व्यस्त दिख रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रचारक के तौर पर अखिलेश यादव ही छाए रहेंगे। राज्य में बेटे की सत्ता कायम रखने के लिए पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अपने उम्मीदवारों की सूची सबसे पहले जारी कर चुकी हैं। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलों के साथ कानून व्यवस्था का मुद्दा छेड़कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जाहिर है अपने मुद्दों को जनता के जहन में भरने में मायावती खुद ही जुटी रहेंगी। सबसे बड़ा सवाल है किस स्टार प्रचारक का शो हिट होगा और किसका फ्लॉप। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के स्टार प्रचारक तो पहले से ही तय हैं। चुनौतियां बीजेपी और कांग्रेस के लिए है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपने सत्ता के लिए 14 साल का सूखा खत्म करना है, तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में नए सिरे से अपनी जड़ें जमानी है। कैमरामैन मन्ना के साथ अभिषेक पांडे, APN, लखनऊ।